बेचंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचंग ग्रैंड फादर। देखो क्या बोल रहा है कि जो बेचंग के फादर है वो क्या है के पास 26 ईयर यंगर, यंगर मतलब छोटे हैं, किससे? बेचंग के ग्रैंड फादर से, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बेचंग, और जो बेचंग के फादर है वो क्या है 29 ईयर ओल्डर, ओल्डर मतलब बड़े हैं, किससे? बेचंग से। देखो क्या बोल रहा है, ये दो बात हमसे बोलना चाहता है कि जो बेचंग के फादर है वो क्या है 26 ईयर यंगर, मतलब 26 है ना ईयर जो है वो यंगर मतलब छोटे हैं, किससे? बेचंग के ग्रैंड फादर से। फिर क्या बोल रहा है कि जो बेचंग के फादर है वो क्या है 29 ईयर ओल्डर, वो क्या है 29 ईयर बड़े हैं, किससे? बेचंग से। देखो क्या बोला इन्होंने, बेचंग फादर इज, इसका मतलब है 26 ईयर यंगर, यंगर का मतलब छोटे, कितने छोटे हैं 26 ईयर, किससे? ग्रैंड फादर से। और क्या बोल रहा है, एंड 29 ईयर ओल्डर, और जो बेचंग के फादर है वो क्या है 29 ईयर ओल्डर, 29 ईयर ओल्डर मतलब 29 ईयर ज्यादा है, किससे? बेचंग से। देखो दोबारा इसने यही बात बोली है कि जो बेचंग के फादर है वो क्या है 29 ईयर ओल्डर, मतलब बड़े हैं, किससे? बेचंग से। अब देखो फिर आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री, अगर इन तीनों की जो एज का जो सम है वो कितना है के पास 135 ईयर। तीनों के एज कौन कौन, एक तो बेचंग, एक उसके फादर और एक ग्रैंडफादर, इन तीनों की एज का जो सम है वो कितना रखा है के पास 135 ईयर दे रखा है, ठीक है ना। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ बेचंग वन ऑफ देम, है ना, हमें क्या बताना है, व्हाट आर द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, है ना, इन सभी की एजेस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो इधर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बेचंग की एज मान लेते हैं, है ना। क्या करा हमने, लेट कर लिया कि जो बेचंग की एज है वो कितने के पास एक्स ईयर है। देखो इधर जैसे हमने एक्स इसको माना तो बेचंग के फादर की एज आ गई एक्स प्लस 29, किसकी एज आ गई पास, बेचंग फादर, कितने गए पास एक्स प्लस 29 ईयर। अब देखो इधर, अब मुझे क्या करना है भाई, हमारे को देखा तीनों की एज का, बेचंग की एज आ चुकी है, बेचंग के फादर की एज आ चुकी है, अब आपको ग्रैंड फादर की एज निकालनी है। देखो इधर, अगर ये वाली एज फाइंड करनी है मेरे को तो बेचंग की फादर की एज है क्या मेरे पास, यस है मेरे पास, कितनी है एक्स प्लस 29, मैं यहां पर एक्स प्लस 29 लिख देता हूं, ग्रैंड फादर की एज निकाल लेता हूं। देखो कैसे, बेचंग की फादर की एज कितनी है के पास एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू किसकी एज, ग्रैंड फादर की एज, माइनस कितना है 26, तो ग्रैंड फादर जो है उनकी एज निकाल ली, तो 26 को इधर उठा के ले जाऊं, कितना आ जाएगा एक्स प्लस 29 प्लस 26, ये किसकी एज आ गई, ग्रैंड फादर की एज आ गई, कितने हुए बोलो, एक्स प्लस 9 और 6 15 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो ग्रैंड फादर की एज कितनी आ गई पास एक्स प्लस 55। देखो इधर, ग्रैंड फादर की एज कितनी है एक्स प्लस 55, है ना, बेचंग की खुद की एज, सॉरी बेचंग के फादर की जो एज है वो कितनी है एक्स प्लस 29, और बेचंग की खुद की एज कितनी है एक्स, तीनों की एज आ गई के पास, ठीक है ना, इसकी एज एक्स है, इसके फादर की एज कितनी है एक्स प्लस 29, और इसके ग्रैंड फादर की एज कितनी है एक्स प्लस 55। अब हमें क्या रखा है, इन तीनों की एज का जो सम है वो कितना रखा है 135, तो आपने वही बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा काम कर रहे हैं, तीनों की एज का सम करो, बेचंग है ना, और बेचंग के फादर की एज और उसके ग्रैंड फादर की एज, इन तीनों का सम कितना रखा है पास 135, करो देखो सम कितना हो गया, एक्स एक्स और एक्स कितना हो गया पास 3x प्लस 9 और 5 14 कैरी 1 5 और 2 7 और 1 8 इज इक्वल टू 135, तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, तो 3x इज इक्वल टू 5 में से 4 गया 1, है ना, 13 में से 8 गया, कितना बच गया पास 5। देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या गया पास, x की वैल्यू निकालूंगा यहां से, ठीक है ना, तो ये 3 जो है जैसे मैं x की वैल्यू निकालूंगा
थ्री मल्टीप्लाई में कहां से जाएगा, डिवाइड के अंदर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 51/3, 3 से काटो 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 17। ठीक है, तो देखो बेचन की एज कितनी हो गई के पास, आपने माना था x, तो कितनी आ गई 17 ईयर, है ना। अब फादर की एज की बात करें, फादर की एज कितनी थी, x प्लस 29, तो देखो x की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 29 कितना हो गया 9 और 7 16 कैरी 1, है ना, 2 और 1 3 और 1 4, है ना, कितने हो गया पास 46 ईयर, फादर की एज कितनी है उसकी 46 ईयर है, ठीक है ना। और ग्रैंड फादर की एज किसकी चाहिए आपको, ग्रैंड फादर की एज, ग्रैंड फादर की एज कितनी है x प्लस 55, ठीक है ना, x कितना है 17 प्लस 55, करो ऐड 5 और 7 12 कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7 कितने के पास 72 ईयर, उसके जो ग्रैंडफादर है वो तो है 72 ईयर के, फादर जो है वो कितने 46 ईयर के हैं, और खुद की एज कितनी है के पास 17, ठीक है ना, बात क्लियर है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, क्या बोल रहा है ये, एक रेशनल नंबर है ना, वो इस तरह से है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो किससे 5/2 से, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जब आपने उस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा 5/2 से, अगर हम उसमें कितना ऐड कर दें 2/3 ऐड कर दें, तो हमें कितना मिल जाता है माइनस का 7/12 मिल जाता है, तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें उस नंबर को ही मान लेते हैं, लेट करा मैंने कि जो नंबर है आपका वो कितना के पास x है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे 5/2 से, क्या बोल रहा है कि हम इस x को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 5/2 से, ठीक है ना, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आया ना आपका, अगर हम इस प्रोडक्ट के अंदर है ना कितना ऐड कर दें 2/3 ऐड कर दें, यू गेट माइनस 7/12, तो हमें कितना मिल जाता है माइनस का 7/12 मिल जाता है। बात क्लियर हुई, क्या बोल रहा था ये कि अगर हम किसी भी नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इसमें 2/3 ऐड कर दें, किसके अंदर 2/3 ऐड कर दें, जो प्रोडक्ट कराया है ना इसके अंदर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, जो आपने मल्टीप्लाई कराया है ना, अगर इस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इसमें 2/3 ऐड कर देते हैं तो कितना मिल जाता है मेरे को माइनस का 7/12 मिल जाता है ना। चलिए सॉल्व करें इसको, देखो ये कितना हो गया 5x/2 प्लस 2/3 इजिकल टू माइनस का 7/12, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के पास दो दो तरीके हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, है ना, नहीं तो आप एक काम भी अभी से कर सकते हो, गराती गराती एक तरफ बराती बराती एक तरफ, इस तरह से भी कर सकते हो। देखो एलसीएम से सीखते हैं, डायरेक्ट एलसीएम लिया 2 और 3 का एलसीएम लिया कितना आ गया 6, 2 का इसमें डिवाइड लगाया कितने टाइम्स गया 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15x, ऐसे 3 का डिवाइड लगाओ 6 के अंदर 3 1 3 3 2 6 कितने टाइम्स गया 2, 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2 2 4 इजिकल टू माइनस का 7/12। अब देखो इधर भी पूरा अपॉन है और इधर भी पूरा अपॉन है, जब पूरा अपॉन हो है ना इक्वल टू के अंदर, तो इनको क्या कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात समझ आ रही है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, जो ये 12 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x+4 से, और जो माइनस का 7 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, करो देखो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है 15 10 180x प्लस 12 4 48 माइनस का 7 6 42, ठीक है ना। अब मुझे किसकी चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो इसको उठा के चले जाता हूँ, कितना हो जाएगा बोलो 180x इजिकल टू माइनस का 72 माइनस का 48, ठीक है ना। तो देखो कितना आ गया 180x इजिकल टू 8 और 2 10 कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9 माइनस का 90, ठीक है ना। मुझे किसके लिए चाहिए x की, तो देखो x कितना हो जाएगा माइनस का 90/180, 0 से 0 कैंसिल 9 1 9 9 2 18, तो x के लिए कितने के पास माइनस का 1/2 आ गई। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, लक्ष्मी जो है वो क्या है एक कैशियर है किसके अंदर, एक बैंक के अंदर, शी हैज करेंसी है ना नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 100 50 एंड 10 रुपीज रेस्पेक्टली, ठीक है ना।
देखो क्या बोल रहा है ये कि लक्ष्मी जो है वो एक बैंक में कैशियर है ना। उसके पास 100 रुपीज के नोट्स है, 50 रुपीज के नोट्स है और 10 रुपीज की नोट्स है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। और अगर हम इन नोट्स के नंबर का अगर रेशियो कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है के पास, 2:3:5 आ रहा है। और टोटल कैश जो है आपके पास, मतलब है ना लक्ष्मी के पास जो टोटल पैसे हैं वो कितने के पास, 4 लाख रुपीज है ना। अभी क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डस शी हैव, है ना। क्या पूछ रहा है आपसे कि उसके पास कितने कितने नोट है, है ना, हर डिनोमिनेशन के, मतलब 100 रुपीज के कितने नोट है, 50 रुपीज के कितने नोट है उसके पास और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, आपको ये फाइंड करने हैं। देखो इधर सबसे पहले रेशो में दे रखा है तो हम इसी को मान लेते हैं। लेट कर आपने नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने के पास, 2x, कितने के पास, 2x। ऐसे ही नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स वो कितना मान लेते हैं हम, 3x। ऐसे ही नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स वो कितना मान लेते हैं हम, 5x, ठीक है। अब देखो इधर अगर पूछूं क्या के पास, अगर 100 के आगे पास 2 नोट होते तो आगे पास कितने पैसे हो जाते हैं, 100 × 2 = 200 रुपीज, ठीक है ना। तो ऐसे मेरे पास 100 के 2x नोट है तो रुपए अगर मेरे को निकालना है कि कितने रुपए हो गए तो मैं क्या करूंगा, 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ऐसे ही 50 के कितने रुपए हो गए तो आप क्या करोगे, 50 को 3x से मल्टीप्लाई कर लोगे। ऐसे ही 10 को है ना किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 5x से, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 लाख के इक्वल हो जाएगा। देखो क्या बोला आपने कि भाई आपके पास कितने रुपए, टोटल मनी कितनी है आपके पास, टोटल मनी आपके पास कितनी है, 4 लाख। अब टोटल मनी देखो यहां पर कैसे आएगा, 100 × 2x प्लस 50 × 3x प्लस 10 × 5x। देखो कैसे करोगे, 100 × 2x प्लस 50 × 3x प्लस 10 × 5x इज इक्वल टू 4 लाख। देखो कितना हो गया ये, 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। देखो इनको ऐड करो कितना हो गया, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। मुझे किसकी चाहिए, x की, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटो इसको, कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। देखो अब मैं आराम से बता सकता हूँ, x की वैल्यू आ चुकी है तो आपके बता रहा हूं नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने आपके पास, 2x, मतलब 2 × 1000, तो आपके पास कितने नोट थे, 100 रुपीज के 2000 नोट थे। ऐसे ही नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स वो कितने था आपके पास, 3x, है ना, कितना आ जाएगा, 3 × 1000, तो आपके पास कितने नोट है, 50 रुपीज के 3000 नोट है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स तो वो कितने के पास, 5x, मतलब 5 × 1000, है ना, कितना आगे पास, 5000। आगे पास 100 रुपीज के तो 2000 नोट है, 50 रुपीज के 3000 नोट है और 10 रुपीज के 5000 नोट है।